बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मशीक न्यूज़ के साथ मैं हूं फिजा कमल। ताज़ा तीन अपडेट्स के लिए आपको ले चलते हैं स्कार्बरो, जहां स्कार्बरो सेंटर से प्रोविंशियल लिबरल नॉमिनेशन के उम्मीदवार मजहर शफीक अपील की है। आपकी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ था कि मैं वो नॉमिनेशन जीत सका और पूरे जो है स्कार्बरो में ये हिस्ट्री बनी थी कि स्कार्बरो सेंटर में इससे बड़ी नॉमिनेशन इससे पहले कभी नहीं हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा मुझे कामयाब बनाएंगे। 17 को नॉमिनेशन जब होगी तो आप लोग मेरे लिए दोबारा वोट करेंगे। अपने जारी करदा वीडियो पैगाम मजहर शफीक ने 2018 से अब तक अपने 12 साल तजुर्बे का जिक्र करते हुए कहा कि वोट एक कौमी अमानत है, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर ईमानदारी के साथ करना चाहिए। कम्युनिटी ऐसे उम्मीदवार को वोट दे जो ना सिर्फ उनके मसाइल को समझता हो बल्कि इस बात से भी आगाह हो कि निज़ाम कैसे चलता है और आम आदमी के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। मजहर शफीक ने कोविड-19 के वबाई हालात और दीगर मौके पर पैनल की फलाही सरगर्मियों का भी जिक्र किया। उन्होंने इस खबरों में मुकीम पाकिस्तानियों से अपील की कि वो 19 सितंबर को उन्हें वोट दें ताकि वो कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए अपना फाल किरदार अदा कर सकें। हमारे साथ मौजूद है मजहर शफीक का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मशीक टीवी को टाइम दिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट।